कभी तुम्हें बताया नहीं, पर हमेशा ये सोचता रहा कि मैं ऐसा क्या करूं कि पीछे मुझे माफ कर दे और मेरे साथ रहने आ जाए, अपने पुत्र के साथ रहने आ जाए। आज वो दिन आ गया शुक्र। जानती हो, जब उन्होंने मुझे सीने से लगाया ना, तो मैं कुछ पल के लिए सुन्न हो गया था, जैसे मुझे इस बात की कभी कोई उम्मीद ही नहीं थी। पर उनकी ममता की गर्माहट ने जैसे मुझे एक नई जिंदगी दी हो। हाँ, हूं मैं सेल्फिश, क्योंकि मैं अपनी बीची को फिर से नाराज नहीं करना चाहता हूं। और अगर तुम्हें लगता है कि मैं अब भी गलत हूं, तो तुम जा सकती हो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। तुमने देखा था, पापा जी के गुजरने के बाद मैं बीची के आंसू तक नहीं पहुंच पाया, और इस बात का गम, इस बात का अफसोस मुझे आज तक है और हमेशा रहेगा। और आज इतने सालों बाद जब उन्होंने अपना ईगो भुलाकर, अपनी नाराजगी भुलाकर हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया, तो मैं भी उन्हें एक हैप्पी कंप्लीट फैमिली की खुशियां देना चाहता हूं। शुभ्रा प्लीज, मैं एक बार फिर तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं, पुणे मत जाओ। मुझे तुम्हारी और तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत है, मान जाओ। याद रखना कुलदीप, सिर्फ बीजी के लिए उस घर में कदम रखने के लिए तैयार हो रही हूं मैं, सिर्फ बीजी के लिए। थैंक्स। पापा, पापा, मामा। मैं लगेज कार में रख देता हूं। जाएंगे गांव वालों, टीम सीता में एक और मेंबर ऐड हो गया। रोली, बोलो ना, पापा को पता नहीं चलना चाहिए कि हम दादी को पहले से जानते हैं। हम सब मिलकर रावण आंटी से फाइट कर रहे हैं। टीम सीता का इतना बड़ा सीक्रेट किसी को पता नहीं चलना चाहिए। डोंट वरी मम्मा, रोली चड्डा सब संभाल लेगी। तू रहने दे, अपनी ओवर एक्टिंग बंद कर और अपना मुंह बंद रखना। ओए, इंटेलिजेंट हूँ मैं, कोई स्यापा नहीं करूंगी। ओके, चल। उम्मीद तो यही है कि अब मैं जल्दी पुणे आ जाऊंगी, कुलदीप और बच्चों को लेकर सारी प्रॉब्लम खत्म। आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, तुम सबको देखने के लिए ना आंखें तरसगी। मधुरा, अगर मधुरा, हाँ? क्या सोच रही है? विठल दो बार गरम गरम चाय लेके आया तुम्हारे लिए और दोनों बार तूने उसे ठंडी कर दी। ये तो भी थोड़ा बेटा था। आओ। मैं जब से इस घर में आई हूं, क्या कोई चीज पूरी तरह से मेरी है जिसे मैं अपना कह सकूं? मंजे, मंजे हे, कि इस घर में मेरा कोई अधिकार है? आपके संपत्ति में मेरा नाम है या नहीं है? अगर मधुरा, मेरा जो कुछ भी है वो सब तेरा ही है ना, फिर और तुझे क्या चाहिए? तो क्या आप अपनी मर्जी से मैं कुछ बेच सकती हूँ? क्या फालतू बात पकड़ के? समझ ला, तुम्हारी लाडली बेटी को पैसे की जरूरत है। नहीं, उसे कितनी भी तंगी हो, वो अपनी आई से पैसे नहीं मांगेगी। लेकिन वो पुणे आ रही है और इस बार मैं हर तरीके से उसकी मदद करूंगी। Thank you.
शशि रोली आओ बेटा, अपनी दादी से आशीर्वाद तो ले लो। हाय हाय, ये मेरे पोता पोती है। हाय, आप हमारी दादी हो? कितनी क्यूट है ना दोनों, आई नजर ना लग जाए। आप भी कितनी प्यारी हो, नजर ना लग जाए। ओवर एक्टिंग की दुकान बंद कर वरना फकरे जाएंगे। प्यारी फोन है दादी। फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं ना, इसलिए ऐसे वाला पेरीपोना मम्मी ने सिखाया है। हाँ, पहली बार ही तो मिल रहे हैं। आए मेरा बच्चा, वही आए मेरा बच्चा। दादी, इतनी जोर से जब भी मारोगे ना तो मैं मर ही जाऊंगी। ऐसे नहीं बोलते होए, मरे तुम्हारे दुश्मन। कुलदीप, तेरी कुड़ी बड़ी तेज है सच्ची। चतरो, आप ही तो गई हो दादी। आपने तो कहा था दादी, वो एक दिन अमोल तो मुझे मजाक में दादी माँ बोला था, इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि तू दादी पे गई है। हाय दैया, इतना शोर, अब और कौन है? हो रहा हाथ में जान नहीं है तेरे, पूरा घर तोड़ के मानेगी है? बीजी, बीजी। ये बाल बच्चों वाला घर है, किसी के चोट चूट लग सकती है, है? हाँ, समेट इसको। इतना छोटे से कभी नहीं उठता है। बीजी, बीजी आप परेशान ना हो, ये वो कर लेगी। हम सबकी नौकरानी नहीं है, हम कह रहे हैं हम नहीं करेंगे। दादी, अच्छा हुआ आप आ गए, मैं और आई आपको कितना मिस कर रहे थे। आप आई की इतनी हेल्प क्यों करते हो? मैं तो खुद अपनी हेल्प कर रही हूँ बच्चे, मेरे चारों धाम सारे तीर्थ तुम ही तो हो। मेरा बेटा, बहू, दोनों बच्चे। दादी को इतनी जोर से झपी देगा ना तो पापा समझ जाएंगे कि कुछ तो गड़बड़ है। तूने मुझे इतने जोर से पिंच क्यों किया? रुक, अभी बताता हूँ। अरे अरे अरे, सुनो। तेरे बच्चे बड़े प्यारे हैं कुलदीप, सच में।
जीते रहो, खुश रहो, सदा सुहागन रहो। बिलायत से लाई थी ना, वो भी इतना महंगा, अब आप भी सब तोड़ेंगी का? मैं से एक बात कहें दीदी, आपने जो किया ना अच्छा किया। आजकल ना ओरिजिनल चीजों की कोनो इज्जत ही नहीं है। अब आपको देख लो, हाँ कुलदीप भैया ने अपनी अम्मा को कहा ही नहीं कहा कि शुभ्रा नहीं आप है उनके लिए पार्टनर? हाँ लाइफ पार्टनर। बट यू आर राइट, कुलदीप खुद तो मुझे अपनी मदर से इंट्रोड्यूस नहीं करवाएगा, मुझे मेरे ही घर में छुपा कर रखेगा। इसलिए मुझे खुद जाकर अपने आप को इंट्रोड्यूस करना होगा। हाँ दीदी सही बात, घर आपका, बॉयफ्रेंड आपका, लेकिन प्यार दुलार आशीर्वाद किसी और को मिल रहा है, बहुत ही नाइंसाफी है दीदी। हाँ जो ऐशो आराम मैंने कुलदीप को दिए हैं उससे अपनी मदर को इंप्रेस करके वो सारा क्रेडिट शुभ्रा को दे दे कि उसकी वजह से उसे ये सक्सेस मिली है, नो मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। एकदम सही कहा दीदी आपने, पर दीदी कुलदीप भैया ने तो कहा है ना सामने मत आना, अब कैद में है बुलबुल, क्या कर सकती है बेचारी। गुलाम नहीं हूं मैं उसके, कि उसकी हर बात मान लू। आई एम द ओरिजिनल वन, और बीजी से तो मैं खुद मिल सकती हूं। आफ्टर ऑल कुलदीप की मदर जो है वो, और मैं कुलदीप का प्यार, इतना हक तो बनता है मेरा। अब दांत निकालना बंद करोगी? माना अपनों से नाराज होने का हक सबको होता है, लेकिन उस गुस्से को 12 साल तक खींचना ज्यादा हो गया ना। वो ललिता पवार टाइप साहस होती है ना, तो मैंने भी उन्हीं की तरह अपना सारा इल्जाम अपने बहू के मत्थे मढ़ दिया। कि हाय मेरे मुंडे नू मैं तो छीन के लेगी, अब कुलदीप को अपने परिवार से अलग कर दिया। पता है चड्ढा जी ने ना अपने पीएफ का सारा पैसा इसकी पढ़ाई पे लगा दिया, सोचा ये था कि लड़का एमबीए करेगा, कनाडा जाएगा, नौकरी करेगा, हमने तो इसके लिए लड़की भी ढूंढ के रख ली थी। पुत्र जी ने ऐसे जोर का झटका दिया ना, हम चारों खाने चित, घर छोड़ के भाग गया ये पढ़ाई अधूरी छोड़ के अपनी अपनी पसंद की लड़की के साथ ब्याह करने के लिए। मैंने भी अकड़ में आके ठान लिया कि अगर मेरा पुत्र मेरे बगैर जी सकता है तो मैं भी उसके बिना मर नहीं जाऊंगी, और देखो मरी भी नहीं। और जो अकेलापन सहा है ना मैंने पुत्र, वो मौत से बदतर है। चंडा जी भी चले गए मुझे छोड़ के, वैसे तो मैंने कसम खा रखी थी कि तुझ मराठन को अपनी बहू कभी जीते जी स्वीकार नहीं करूंगी, पर फिर समझ आया जब अपना सिक्का ही खोटा है तो दूसरों को क्या बोलना। मैं बेकार ही
तो अपनी बहू से दुश्मनी कर बैठी, पर अकल आ गई, अपनी अकड़ भूल गई और अपने बच्चों के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई एक माँ। मुझे माफ कर दे शुक्रा जी। ऋषि, दादी तो नंबर वन एक्टर है यार, गजब। अपनी सास से गले नहीं मिलेगी। आपको यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई बीजी। आपके बिना हम सबकी जिंदगी बिल्कुल अधूरी सी थी। बीजी, एक गल दस, आपको मेरे घर का एड्रेस मिला कैसे? यहाँ का पता तो सिर्फ शुभ्रा जानती थी और आप दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे, तो फिर इस बड़े शहर में आपने मुझे कैसे ढूंढ लिया? पूना गई थी मैं तुम्हारे घर, वहां इतना बड़ा ताला मिला। लगाओ। वही तो पूछ रहा हूं आपसे कि यहां का एड्रेस कैसे मिला आपको? रंजना, रंजना से पता चला। रंजना, रंजना देखिए, देखिए रंजना देखी मैंने, तो पता चला कि पड़ोसियों को सब पता होता है ना? तो किस्मत चमकी और संजना मिल गई। संजना पड़ोसी। अच्छा, संजना, संजना ने बताया कि मेरे पुत्र का बड़े लोगों में उठना बैठना है अब, तो मैं भी सोचा कि चलो जाके मिला निया। अगर बेटे ने अपने साथ अपने कार में रख लिया तो ठीक है, नहीं तो अगली गाड़ी पकड़ के वापस कार पूना। अरे बीजी, आप ऐसा क्यों बोल रही है? मैं तो हमेशा चाहता था कि आप हमारे साथ रहें, पर आप ही नाराज थी। क्या? मैं कहीं नाराज नहीं हूं, अब तो तेरी मराठन को भी अपना कर अपने सीने से लगा लिया मैंने।
बस सब ऐसे ही रहे, यही दुआ है।